अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज फिर ताज़ा वीडियो के साथ श्री फरीदी आपकी खिदमत में हाजिर है। पता नहीं कि इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके ये मुल्क जैसे ही वजूद में आया, अदम इस्तेहकाम ने भी साथ ही अपना सफ़र शुरू कर दिया। अभी एक साल ही हुआ था कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना गैर मामूली बीमारी और गैर मामूली हालात का शिकार होकर राहिए मुल्क के आदम हुए। 6 साल बाद पहले वजीर आजम और जिन्ना के दस्ते रास्त सरेआम कत्ल कर दिए गए। चंद माह के बाद ही कराची, जो उस वक्त दारुल खिलाफा था, वहां से तहकीकात के लिए जाने वाले आईजी जनाब एतजाजुद्दीन तहकीकात मुकम्मल करके वापस आते हुए अपने तैयारे समेत फ़ज़ा में फटकर जाँ बहक हो गए। जो सियासतदान पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म के शरीक और दस्ते रास्त थे, वो हुकूमत चलाने और आइन बनाने में नाकामी का शिकार हुए और बाद अज़ां नाअहली के कानून एबडो का शिकार होकर ताहयात नाअहल या मुल्क बदर हो गए। हालांकि उस वक्त करप्शन का हथियार ईजाद ही नहीं हुआ था। 1958 में मार्शल्ला लगने के बाद पहले सदर इस्कंदर मिर्ज़ा मुल्क बदर हुए। 1969 में जनरल याहिया ने अपने ही बॉस के ख़िलाफ़ मार्शल्ला नाफिज कर दिया। 1971 में मुत्तहदा हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर और दानिश्वर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पेशगोई के मुताबिक इस्लामी शनाख्त और दो कौमी नज़रिए पर कायम किया गया मुल्क दो हिस्सों में बट गया। 1977 में पाकिस्तान के मुमताज़ लीडर एटमी क़ुव्वत के खालिक और वज़ीर आज़म फांसी चढ़ा दिए गए। 1988 में पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबरा अपने 13 दूसरे फ़ौजी अफसरान के साथ अपने फ़ौजी तैयारे के फटने से हलाक हुए। 2007 में उसी बाग जिसमें लियाकत अली खां कत्ल हुए, मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म सरे आम कत्ल कर दी गई। वो मुख्तदर लीडर कैदोबंद और ज़िंदगी के ख़तरात से दोचार हैं। आखिर इस मुल्क का होगा क्या? क्यों ये सब अजाब नाजिल हो रहे हैं? हमें ये सोचना चाहिए 70 बरस की कलील मुद्दत में हमने क्या खोया और क्या पाया। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर तबके को एक साथ बैठकर तय करना पड़ेगा कि हमें आगे जाना है या अपना नाम तक मिटा देना है दास्तानों से, या दास्तानों में से अपनी दास्तान निकालनी है। तो अब आप मुझसे हबीब जालिब की एक मारकतुल आरा और बहुत ज़बरदस्त गज़ल सुनेंगे। वतन को कुछ नहीं खतरा, निज़ाम ज़र है ख़तरे में, हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है ख़तरे में, जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्ग ज़ुल्मत पर, वो नौहागर है ख़तरे में, वो दानिशवर है ख़तरे में। अगर तश्वीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, अगर तश्वीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, न तेरा घर है ख़तरे में न मेरा घर है ख़तरे में। जहाँ इकबाल भी नज़रे ख़ते तनसीख हो जालिब, वहाँ तुझको शिकायत है, तेरा जौहर है ख़तरे में। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली ताज़ा वीडियो बरवक्त मिल सके। इसके साथ ही आपका दोस्त आपसे विदा चाहता है। अल्लाह हाफिज़।